नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। सभी लोग जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं एक बार वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दें, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण सूचनाएँ हैं समय समय पर मिलती रहें। तो आज मैं आपके सामने UPSSC जूनियर असिस्टेंट जो 2019 है उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या महत्वपूर्ण दस्तावेज आपके लगेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो 8 तारीख से आपके स्टार्ट हो गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें आपको क्या क्या लेके जाना है, ठीक है, अगर कहीं गलतियां हैं तो उसके लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी गलतियां माफ़ हो सकती हैं, ये सब चीज़ें ध्यान दे लें। जिनका बाद में हो ये नहीं कि अब डॉक्यूमेंट को सुधरवाने में लग जाना, वो गलती मत करना, नहीं तो फिर क्या होता है कि सुधरवाने में नई डॉक्यूमेंट जो पुराने होते हैं उसे जमा कर लिया जाता है और नया जो होता है वो आपको काफ़ी समय लगता है। छोटी सी गलतियाँ होंगी कोई इशू नहीं होगा, और थोड़ा सा भी ज़्यादा भी गलतियाँ होंगी तो भी कोई इशू नहीं होता है, ठीक है। तो एक बार जो जो डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है वो देख लें और उसका एक सेट बना के आप लोग पहले से तैयार रखें। 8 तारीख से आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट है और काफ़ी लंबा गया है, अप्रैल तक गया है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एडमिट कार्ड आया है वो तो महत्वपूर्ण है ही है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। वो प्रपत्र पूरे अच्छे से भरिए, जो जो चीज़ें आपको लग रहा है कि हाँ जरूरी है उसको भर दीजिए। उसमें कुछ फीस डिटेल मांगी गई है, ठीक है, कि ट्रांजेक्शन आईडी जो आप लोग पेमेंट करते हो। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर मेरे पास है ही नहीं, भूल गए, कहाँ गया, किसी को रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं पता है। मैं सब बताऊंगी कि आप कहाँ से आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जान सकते हो और अपना जो ट्रांजेक्शन किए हो उसकी भी आईडी जान सकते हो। अगर नहीं पता चल रहा है उसके बाद भी तो उसे छोड़ दो, क्रॉस कर दो, उसमें साफ साफ लिखा है जो योग्य नहीं है उसे काट दीजिए, ठीक है। तो इतना उसमें हबड़ाना नहीं है। अब देखो 10 की मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो सनद होती है वो लेके जाइए, उसकी फोटोकॉपी, दो दो फोटोकॉपी सभी की करानी है, दो फोटोकॉपी सभी डॉक्यूमेंट्स की करानी है आपको। सेल्फ अटेस्ट करना है, किसी भी से नहीं है, कि गेजेटेड ऑफिसर से नहीं करना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है। 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन किए हैं तो उसकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेके जाइए, ठीक है। नहीं किए तो कोई इश्यू नहीं है क्योंकि ये 12th बेस पे ही जॉब है, ग्रेजुएशन पे नहीं है। ग्रेजुएशन किए हैं तो लेके जाइए, हो सकता है वरीयता जो होती है कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट आप किए हैं वो लेके जाइए। पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं तो उसकी मार्कशीट सर्टिफिकेट, यहाँ पे सर्टिफिकेट का मतलब जो होता है डिग्री होता है, ग्रेजुएशन की डिग्री। अगर और आपकी डिग्री नहीं है फाइनल तो प्रोविजनल लेके जाइए। प्रोविजनल अगर आपका उसके बाद भी, क्योंकि 6 महीने के लिए प्रोविजनल होता है, उसके बाद भी आपको डिग्री नहीं मिली है तो आप एफिडेविट लगा दीजिए कि अभी कॉलेज से मिली नहीं है, जब मिलेगी तो मैं जमा कर दूंगा, ठीक है। तो उसमें कोई इशू नहीं है, फाइनल ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए और डिग्री होना चाहिए। मार्कशीट वैसे सब कुछ सभी लेके जाओ, सभी साल के, सेमेस्टर वाइज है तो सभी सेमेस्टर के, और कोई गलतियां हैं तो उसका कोई इशू नहीं है। कि पता चले किसी नाम में राम प्रसाद नाम है तो राम, और पता चले एक साथ होना चाहिए तो डैश लग गया है, स्पेस लग गया, तो ये कोई बड़ी गलती नहीं है। इसके लिए आप एक सिंपल सा कचहरी से एफिडेविट बनवा लोगे, सब कुछ आपका ओके हो जाएगा, ठीक है, परेशान नहीं होना। पोस्ट ग्रेजुएशन में वही करना है, मार्कशीट आपको और डिग्री लेकर जाना है। CCC का सर्टिफिकेट जो आप लोग किए होंगे, ठीक है, जो आपका जो नोटिफिकेशन आया था उसके एग्जाम से पहले का होना चाहिए, मतलब लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए CCC का सर्टिफिकेट, उसका लेके जाना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, किसी का एक्सपायर हो गया हो, चाहे डोमिसाइल तो कोई भी चलता है उसमें एक्सपायर उसका नहीं लिया जाता है, तो अगर नहीं है डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो आप अभी भी बनवा लोगे तो नया भी चल जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। ये एक्चुअली आपका निवास जानने के लिए होता है कि आप यूपी के ही हो या अदर स्टेट के हो, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट मेनली मायने रखता है SC ST और OBC, ये तीनों लोग जो भी डेट से, नोटिफिकेशन डेट से पहले का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर एक्सपायर हो गया, क्योंकि 19 की वैकेंसी है, 22 में इसका DV हो रहा है, तो आप समझ सकते हो अगर किसी का OBC का साल भर का चलता है तो वो अपना नया साथ साथ रखा रहेगा, उसका पुराना तो होगा ही होगा जब वो फॉर्म भरा होगा, साथ ही साथ अगर नया आपने बनवाया होगा, कई फॉर्म आ रहे हैं तो वो भी आप साथ में लेके जाइएगा, अगर कुछ इशू आता है तो उसे दिखा दीजिएगा, ठीक है। सेम SC ST के लिए है। फोटो का आप कम से कम 4 से 6 कॉपी तो लेके जाइएगा अपने फोटो का। आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, किसी भी चीज का, ड्राइविंग लाइसेंस का फोटो कॉपी लेके जाइएगा, और ओरिजिनल भी लेके, इन सभी के ओरिजिनल भी लेके जाने हैं और दो फोटो कॉपी भी लेके जाने हैं, ठीक
ठीक है। एनओसी अगर आप किसी भी विभाग में हैं तो वहां से नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एक सर्विसमैन है तो आप विभाग से प्रमाण पत्र जो होता है एक सर्विसमैन का वो आपको दिखाना पड़ेगा। सौ घोषणा पत्र, ये आपको जो डीवी की नोटिस आई है उसमें एक घोषणा पत्र है कोविड रूल के तहत कि आपका तापमान क्या है, ये सब चीजें उसमें वो आपको खुद भर के उसको देना होता है। और वरीयता पत्र जो मतलब आपका पोस्ट प्रेफरेंस, कौन कौन सा पोस्ट आप ले सकते हो अभी मैं दिखा दूंगा, वो वाला भी लेके जाना है, उसको भी आप फिल करके लेके जाना है। डीवी का एडमिट कार्ड, अप्लीकेशन फॉर्म, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कहां से डाउनलोड करें, देखो बहुत जरूरी तो नहीं है ये, इसके बाद मतलब इसके बिना भी आपका काम चल सकता है, लेकिन अगर आपको डाउनलोड करना चाह रहे हो, सब कुछ भूल गए हो, रजिस्ट्रेशन नंबर भी अपना भूल गए हो, तो उसमें कोई इशू नहीं। आप वेबसाइट पे जाओ UPSSC के, उसके बाद से कैंडिडेट हेल्प में जाओ, वहां आता है नो योर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। वेबसाइट पे जब जाओगे तो कैंडिडेट हेल्प नाम से बना है, कैंडिडेट हेल्प पर क्लिक करोगे तो वहां आता है नो योर रजिस्ट्रेशन, नो योर रोल नंबर, ठीक है। तो आप वहां से अपना रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर जान सकते हो। फॉर्म प्रिंट करना है तो नो योर स्टेटस एक आता है, नो योर स्टेटस, तो स्टेटस में जाओगे तो वहां एप्लीकेशन प्रिंट करने के लिए पूरा आता है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे, अपना डेट ऑफ बर्थ डालोगे, जेंडर डालोगे और वेरिफिकेशन कोड डालोगे तो आपका एप्लीकेशन प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद से ऑनलाइन में जाओगे, ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन करके है एक ऐसा ऑप्शन, उसी में तो वहां पे फी डिपॉजिट का आता है, तो फी डिपॉजिट पर क्लिक करोगे और अपना पूरा डिटेल भरोगे तो आपका ट्रांजेक्शन आईडी जो है वो मिल जाएगा, जो आप परिपत्र है एक तरह से, जो आपका परपत्र दिया गया है एक तरह से, एडमिट कार्ड जो डीबी वाला है उस पे आपको जो मांगा गया है, ठीक है, ट्रांजिशन आईडी, वो वहां से भर सकते हो। तभी भी नहीं मिलता है तो छोड़ दो, ठीक है, परेशान ना हो। पेमेंट स्लिप, वही मैंने बताया कि वो आप वहां से पेमेंट स्लिप डाउनलोड कर सकते हो, इतना जरूरी नहीं है, बस अगर आपको आईडी पता चल गया, हो सकता है आपके पूरे फॉर्म में एक ट्रांजेक्शन आईडी लिखी होती है, वो हो गया, वो मिल गया, तभी भी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एफिडेविट, ये सबका तोड़ है। एफिडेविट क्या है, अगर आपके किसी हाई स्कूल में, ट्रिपल सी में, ग्रेजुएशन में, चाहे आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट हो, चाहे कुछ भी और अलग से आपने कोई सर्टिफिकेशन किया हो, ठीक है, वो आप लेके जा रहे हो, तो उसमें कोई भी गलतियां हो, एनसीसी का भी सर्टिफिकेट है तो आपको वरीयता मिलेगा, तो ये सब चीजें एफिडेविट लगा लेना। अगर कोई गलती, चाहे आपके नाम में गलती हो गया हो, चाहे पिताजी के नाम में हो गया, चाहे मदर के नेम में हो गया हो, चाहे एड्रेस में कहीं गलती हो किसी के, ठीक है, कुछ भी गलतियां, चाहे DOB में कहीं गलत कुछ भी हो गया हो, ठीक है, तो वो उसके लिए तुरंत के लिए आपका समाधान क्या है, कचहरी जाना, वहां बताना कि हमारी ये समस्या है, वो आपकी समस्या सुनेगा और एफिडेविट लगा के 10 रुपए की नोटरी पे दे देगा, आपका काम बन जाएगा, बाद में आप उसे सही करा लीजिएगा। ये चीजें हैं जो मेन मेन डॉक्यूमेंट है आपके, सभी के 2 फोटोकॉपी लेके जाना है, ओरिजिनल कॉपी लेके जाना है इन सभी के, और साथ ही साथ सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। अब मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि घोषणा पत्र कौन सा है। देखो एक तो ये आप थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर ले रहे हैं, ये आपके डीबी वाली जो नोटिस है उसमें साफ साफ लिखा है कब से कब तक, 8 तारीख से आपका स्टार्ट है, ठीक है, उसके बाद से अप्रैल, 30 अप्रैल तक चल रहा है, लंबा खींचे हैं सब, 6405 अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, ठीक है। अब इसमें मैंने बताया ना कि सौ घोषणा पत्र कौन सा है, ये वाला है, ये आपका सौ घोषणा, इसका प्रिंट कराओगे, इसमें अपना नाम वाम लिखोगे, पता होता लिखोगे, और ये आपका हेल्प डेस्क, ये ना भर लेना, ये आपको वहां पे भरा जाएगा, जब आओ जाओगे डीवी पे तो वहां आपका तापमान क्या है, आप स्थिति के मतलब ऑक्सीजन लेवल क्या है, ये सब कुछ भरा जाएगा, टेबल नंबर आपको दिया जाएगा, तो ये कोविड के लिए सौ घोषणा पत्र है। और ये आपका पोस्ट प्रेफरेंस है, ठीक है, तो आपको जहां जॉब चाहिए सुटेबल, और जितनी वैकेंसी है देख लो लखनऊ के मैक्सिमम है इसमें, ठीक है, उसको आप प्रेफरेंस में भर सकते हो, जैसे यहां है ना फर्स्ट, तो आपको अगर 187 वैकेंसी, इसको आप पहले प्रेफरेंस में डालना चाहते हो तो फर्स्ट का आई लिख देना, ठीक है, पहला अंकों में फिर शब्दों में, ऐसे ही। अब ऐसे ही आपको मान लो इसमें 4 पोस्ट है, आप ज्यादा पोस्ट वाला भरना चाहते हो, 19 वाला है, 119 सीट है, इसको आप सेकंड प्रेफरेंस बनाना चाहते हो, ठीक है, तो सेकंड प्रेफरेंस बनाने चाहते हो तो इसको 2 डाल दो और यहां शब्दों में लिख देना 2, TWO2, ठीक है, तो ऐसे आप प्रेफरेंस को इसको भर सकते हो, पूरा ओवरऑल सभी भरना है, कोई छोड़ना नहीं है प्रेफरेंस, ये ध्यान रखो, ठीक। तो अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग जहां सुटेबिलिटी हो, जहां आप जॉब करना चाहते हो, और सब जाहिर सी बात है सब वहीं पर भरेंगे जहां पे सीटें ज्यादा होंगी, ठीक है, ऐसा नहीं कि पहला प्रेफरेंस 3 सीट है वहां भर देना, गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ, ठीक है, जहां ज्यादा सीटें हैं पहले उसको
शुरुआत में भरना, उसके बाद से छोटे छोटे सीटों पे भरना, ठीक है। तो ये पोस्ट प्रेफरेंस वाला, इसका भी प्रिंट करा के आपको लेकर जाना है डीवी में। तो ये तो आपके रहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड चीजें, जो आपको यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 2019 का डीवी 8 तारीख से स्टार्ट है और 30 अप्रैल तक चलेगा, उसमें ये एसेंशियल डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होने चाहिए। तो आप आज ही से इसको प्रिंट व्रिंट करा के सेल्फ अटेस्ट करके रख लो, और जो गलतियां हो कचहरी चले जाओ और उसे सही करा लो। इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत है किसी भी डॉक्यूमेंट में तो आप इस वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं कि सर मेरे पास ये नहीं है चाहे वो नहीं है, तो आपका समाधान जो है टीम के द्वारा दिया जाएगा कि क्या उसका सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, जो भी है आप उसी में जाओ, वहां पे ऐसा नहीं है कि आपको भगा दिया जाएगा चाहे कुछ भी किया जाएगा, जो जो मस्ट है वो आपके पास होना चाहिए। तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।